रमज़ान की रौनक तो ये स्टोर के बाहर ही दिखती है। हाँ, वो सामने वाली लाइन भी पैक्ट है, यहाँ पे भी भीड़ है। तो रमज़ान के लिए सब ओरियंट हो सारे और रौनक यहीं पे लगती है। लिडल भी फुल है, लिडल तो जैसे वीकेंड फुल होती है। इसके बाहर समोसे बना के बेच उस्मा, मजाक नहीं करता, घूम बिकेगा। तो अभी हम जा रहे हैं एक बाजार वाले स्टोर्स में। मुझे तस्वीर देखनी है बारे में, तो कुछ बता। अच्छा है उसने ट्रक लगाई है, ऐसा अपना खाली समोसा। Assalamualaikum everyone, welcome to my vlog life in Sweden. So yes, आज हो गया है रोज़ा और हम अभी जा रहे हैं एक बाजार वाले स्टोर में। मुझे तस्बीह लेनी थी ना, तो मोस्ट खाली 2 या 3 दुकान बची थी। मतलब यहाँ पे इतना चलता नहीं है, चेंज होती रहती है। एक वो चाइनीज चाचा की थी और एक मटन वाले की थी बस, और एक था चोर बाजारी जैसा। मतलब उसके पास फर्स्ट कॉपी थी सारी, वो इतनी महंगी महंगी दे रहा था। बंद है? हाँ, नीचे से। आज वीकेंड है उसके लिए, यहाँ पे बोर्ड लगा है। ठीक है, इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अब ये लोग बोल रहे हैं कि हमने एड्रेस चेंज कर दिया है, जो है यहाँ पे ट्रॉलर्स गार्डन 25 नंबर की बस से जा सकता है। ओह गॉड, कोई बात नहीं। इसका प्लान ये हुआ कि जो बाज़ार वाली शॉप है वो तो नहीं मिली कोई, और दूसरी जगह दूसरे एरिया में एक शॉप है इस्लामिक चीज़ों की, तो मेरे हस्बैंड वहाँ पे गए और मैं यहाँ पे सेकंड हैंड स्टोर्स में आई। वैसे कुछ लेना नहीं था, बट मैं आपको ये दिखा रही हूँ। देखो ये ना, यहाँ पे ईस्टर आ रहा है तो सब जगह बनी, एग्स एंड चिकन और ये सारी चीज़ें दिखेगी। और ये क्यूट से पप्पी था यहाँ पे। और ना वीकेंड के हिसाब से बहुत ही भीड़ थी, बहुत ही भीड़ थी। लोगों को मतलब एक ट्रेंड्स है यहाँ पे, वीकेंड मतलब सेकंड हैंड शॉप। सो मेरा ये बेकिंग ग्लव्स ख़राब हो गया था और मेरा हाथ भी जल गया उसके चक्कर में, तो मैं को ये नया दिखा सेकंड हैंड स्टोर से, तो मैं ये ले आई। वैसे इसके स्टोर में प्राइस 40 अराउंड ऐसे के यहाँ पे मुझे हाफ प्राइस में मिला। और तस्बीह मेरे हस्बैंड बना रहे हैं पनीर आलू की बेक्ड सैंडविच, जौमन में बनेगी। और ये जो कल का पास्ता बचा था उसे भी मैंने चीज़ डाल के कर दिया है मिक्स। अब इसको भी मैं ओवन में रखूँगी। और यहाँ बन रहा है मेरा फालूदा। तो ये वाला फालूदा जैसा मैंने बताया था लजीज़ा का, बहुत ही अच्छा है। और इसमें 4 से 5 सर्विंग है, तो मैं इसका हाफ़ मेज़रमेंट ले रही हूँ सब चीज़ों का। तो 2 ग्लास बनेंगे जो हम दोनों के लिए इनफ है। तो ये 2 बार बन सकता है। इसमें लिखा है कि 1 लीटर मिल्क में 1 ग्लास वाटर, तो मैंने हाफ लीटर दूध लिया, हाफ पानी ऐड करके गर्म करने रख दिया। अभी उसमें उबाल आ गया है, जैसे मलाई आने लगी है। तो अब मैं इसमें ये हाफ़ मेज़रमेंट जो मेरे पास मेज़रमेंट कप है बेक्स के, वो मैं ऐड कर दूँगी अच्छे से मिक्स करके। तो 2 बार ये बन जाएगा। आलू मैंने बॉईल करने रख दिए, आलू हो जाए उसके बाद मैं पनीर सारी वेजेस को सौते करूँगी। और उसके बाद हम ओवन में सैंडविच को ग्रिल करेंगे। यस, तो ये बन रही है मेरी रबड़ी। वैसे इसमें लिखा था 5 से 10 मिनट्स, बट मैं ज़्यादा उबालती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी थिक पसंद है, इतनी पतली वाली नहीं अच्छी लगती। सो मैं इसे और उबालूँगी और थोड़ा पानी में ठंडा करके फ्रीज़ में रख दूँगी, तो बहुत ही टेस्टी हो जाएगी। उसके बाद मैंने वेजेस चॉप कर लिए, इतने से पीस किए, डाइस से थोड़ा छोटा वाला डाइस, और शिमला मिर्च, प्याज, लहसुन। और मैंने आलू बॉईल किए क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम इसकी जगह पे चिकन को मैरिनेट कर दो, और चिकन भी यूज़ कर सकते हो। और ये रहा मेरा पनीर। सो मैं ये सारी वेजीज़ को पैन में सौते करूँगी। उसके बाद लास्ट में मैं आलू डालूँगी क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं, और पनीर भी लास्ट में डालूँगी तो थोड़ा सॉफ्ट रहेगा। तो अभी हम बनाना शुरू करते हैं। वैसे तुम फ्राइंग पैन में बना लो, बट मेरा फ्राइंग पैन अभी यूज़ में है और मुझे वॉश नहीं करना है। सो मेरा काम ऐसा ही होता है, चलेगा। ये कुकर में कर डालूँगी। मैं पहले ऑयल डाला थोड़ा सा, और अब मैं डाल रही हूँ बटर। बटर इसलिए क्योंकि हम सैंडविच बना रहे, तो टेक्सचर अच्छा आएगा। और यू कैन यूज़ ऑलिव ऑयल और ओनली ऑयल ऑल्सो, बट आई एम यूजिंग दिस। तेल पहले डालने से ना बटर जलता नहीं है। अब हम डालेंगे लहसुन। लहसुन थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने आए उसके बाद प्याज, और प्याज ट्रांसपेरेंट होने आए, उसके बाद सारी वेजीज और सीज़न में वही हमारे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला और जीरा पाउडर, बस इतनी चीज़ डालूँगी। लेट्स सी। मेरी प्याज ट्रांसपेरेंट होने आई है और मैंने पनीर के भी छोटे छोटे क्यूब बना डाले हैं। हम जो सब्ज़ी बनाते हैं ना, पालक पनीर है, उससे और छोटा बनाए क्योंकि ब्रेड सैंडविच बनानी है तो छोटे पीस हो गए तो अच्छा रहेगा, वरना बड़े वाले ना बहुत जगह रोक लेंगे और अच्छे से मसाला नहीं लगेगा। सो अब मैं डाल दूँगी ये सारी वेजीज़, बस और कुछ नहीं है। वेजीज़ के बाद हम डालेंगे मसाला और वेजीज़ को ज़्यादा नहीं पकानी है, थोड़ा क्रंचीनेस होगा तो अच्छा रहेगा। कलर्स कितने अच्छे लगते हैं ना, येलो, ग्रीन एंड रेड। सो इस रमज़ान मैंने सोचा है कि हम ऑयल फ्री और कम ऑयल डीप फ्राई खाना अवॉइड करेंगे क्योंकि हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। कि हम जैसे स्वीडन में है तो स्वीडन का रोज़ा काफ़ी लंबा होता है। खैर इस साल तो छोटा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, बट लास्ट ईयर हमारा होती थी शहरी तो 2:30-3 बजे और 2:30 लास्ट में तो 2 बजे तक आ गया था। उसके बाद रोज़ा खुलता था रात के 9-10 बजे, तो ऑलमोस्ट पूरा दिन का रोज़ा होता था हमारा। तो हम डीप फ्राई खाना खा के सीधा सो ही जाते थे और फिर शहरी, तो वो ना बहुत ही गंदा इफेक्ट हो रहा था हेल्थ पे। तो अभी हमने ये साल सोचा है कि हम जितना हो सके उतना अवॉइड करेंगे। वैसे रमज़ान है तो अवॉइड करना मुश्किल है, बट फिर भी ट्राई कर सकते हैं। वेजिस को ज़्यादा नहीं पकाना है, 2-3 मिनट में ट्रांसपेरेंट होने लगेगी। उसके बाद मैं डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार, मिर्च पाउडर, और ये वाली मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है, तुम अपने हिसाब से डालें। 1-1 स्पून ही डाल रही हूँ जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला थोड़ा ज़्यादा डाले तो टेस्ट अच्छा आएगा, और जीरा पाउडर। वैसे हमने जीरा डाला नहीं है तो जीरा पाउडर डाल सकते हैं। और मेरे पास ये वाली पपरिका है, हंगेरियन पपरिका जो स्वीट पपरिका है, तो मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ क्योंकि टेस्ट अच्छा है इसका। हम हंगेरी का इसको हम लेके आते हैं। बस अब ये मसाले भून जाए, 2 मिनट के बाद हम जैसे खुशबू आने लगी है, हम मैं इसमें डाल रही हूँ मेरे पनीर और आलू। बस उसको 2 मिनट पकाएं और सैंडविच बनाएंगे हम। तो इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस मसाला लगा के अच्छे से मिक्स कर लें क्योंकि एक जगह मसाला ना रह जाए। उसके बाद मैं लास्ट में थोड़ा सा लेमन डाल रही हूँ फॉर अ टेस्ट। बस अब हम ब्रेड की तैयारी करते हैं। तो मैंने बटर मेल्ट कर दिया है, मैं एक सैंडविच बना के दिखा देती हूँ, फिर मैं फटाफट बना लेती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। और ये एक स्लाइस पे मैंने लगाया है मायोनीज़, यू कैन यूज़ चिली सॉस ऑल्सो। मैंने यहाँ पे टोमेटो केचप लिया है क्योंकि मैंने स्पाइस काफ़ी इसमें डाल दिए हैं, तो मैंने सोचा इसमें केचप लगा लेते हैं तो थोड़ा सा मिठास आ जाएगा। और अब मैं डालूँगी ये फिलिंग। अच्छे से आलू घुल गए हैं मेरे, इसलिए मैंने ज़्यादा आलू में मेहनत नहीं की थी, मुझे पता ही था कि आलू मैंने बॉईल किए हैं तो घुल जाएंगे। और मैं ना फिलिंग ज़्यादा भर रही हूँ क्योंकि एक ही सैंडविच में हम दोनों का काम हो जाएगा। आई मीन बना रही हूँ 3, बट एक इंसान के लिए एक सैंडविच इनफ हो जाए, तो मैं फिलिंग ज़्यादा भर रही हूँ। ओके, दिस इज़ इनफ। अब मैं ये एक चेडर स्लाइस डालूँगी यहाँ पे रख दी है। अब मैं इसको कवर कर यहाँ पे मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। मोज़रेला चीज़ यहाँ पे ना ऐसी फ्रेश मिलती है डिप की हुई, तो इसकी ज़्यादा लंबी एज नहीं होती, मतलब जल्दी एक्सपायर हो जाती है। तो हम ये लाते, काफ़ी अच्छी होती है यहाँ पे फ्रेश मोज़रेला जो पिज़्ज़ा में यूज़ होती है। तो मैं अभी ये डाल रही हूँ। मेरे पास ये वाली भी है पिज़्ज़ा छीन, बट मुझे ना ये वाली ज़्यादा पसंद है, तो बस मैं थोड़ी डालूँगी क्योंकि यहाँ पे भी एक चीज़ है। अब इसके ऊपर हम ब्रश करेंगे थोड़ा सा बटर, मॉइस्चर आए, वरना ब्रेड स्लाइस ना बहुत ही ड्राई हो जाएगी। तो अच्छे से बटर डिप कर दें। ओके, आई थिंक दिस इज़ इनफ। और इस पर और मैं मोज़रेला डाल रही हूँ, और आप इसके ऑप्शन में मोज़रेला की जो छीन मिलती है वो भी डाल सकते हैं। मैं वो यूज़ नहीं कर रही हूँ इस बार क्योंकि ये फ्रेश है ना, एक बार पैकिंग खोलते हैं तो इसको यूज़ कर डालना चाहिए, वरना ये डेट ख़राब हो जाती है क्योंकि ये इसके वाटर में रहती है। तो मुझे लगता है मुझे ये यूज़ कर लेनी चाहिए. दैट्स इट. आई थिंक दिस इज इनफ. सैंडविच सैंडविच के अंदर मैंने पनीर और आलू डाला है. पनीर और आलू की फिलिंग है और ऊपर से थोड़ी मोज़ेला चीज डाली है ग्रिल करते वक्त. और ये पास्ता बनाया था तो पास्ता के ऊपर भी चीज डाल के उसको ऊपर थोड़ा क्रस्ट बेक करा है. आज रात को मैजिक होने वाला है. ये घड़ी ऑटोमेटिक 1 घंटा आगे होने वाली है फोन में और हम मैन्युअली करेंगे ये वाली घड़ी को आगे. और इसका क्या रीज़न है मैं सुबह दिखाऊंगी. बहुत नींद आ रही है, सो जाते हैं. अभी बज रहा है 1:33. ओके अभी मैं अलार्म रख रही हूँ 3:33 की, एग्जैक्ट 2 आवर्स के बाद की. तो अभी ये दिखाएगा मुझे कि अलार्म इन 1 आवर. दिखा अलार्म सेट 1 आवर. तो 2 बजे घड़ी 1 घंटा दौड़ेगी क्योंकि कितना मैजिक होता है यार हमारे फोन में ये. क्योंकि यहाँ पे 2 बजे डेलाइट सेविंग और शुरू होगा और हमारे घड़ी मैन्युअली घंटा आगे हो जाएगी तो हमारा ऑटोमेटिकली फोन में होगा. ये वाली में तो करनी पड़ेगी. और देखो शहरी और इफ्तारी का टाइम भी चेंज हो रहा है. शहरी का 1 घंटा पूरा चेंज हुआ है. सुबह 2:44 का था, अभी 4:40 का हो गया है. और इफ्तारी भी सीधा 6:30 की थी जो 7:40 की होगी. ओ माय गॉड बड़ी मुश्किल. सोने तो इतना ही मिलेगा इसमें, 1 घंटा एक्स्ट्रा सोने नहीं मिलेगा. हाँ और रोज़ा भी 1 घंटा बढ़ेगा नहीं ना. रोज़े का टोटल टाइम सेम रहेगा, 1 घंटा शिफ्ट हो जाएगा बराबर. देखो अभी 2 बजे बाद क्या सीन है. Till then, good night.